गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज पाकिस्तान से एक अनयूजुअल न्यूज आई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान आने का इन्विटेशंस दिया है और ये इन्विटेशंस कहीं ना कहीं बहुत अनयूजुअल हो जाता है ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे नहीं है। इस सेशन में हम लोग इसी से जुड़े हुए अलग अलग डायमेंशंस को कवर करेंगे, साथ में देखेंगे SCO संघाई सहयोग संगठन क्या है और किस तरीके से ये हमारे यूरेशिया क्षेत्र में कार्य कर रहा है। सबसे पहले इश्यू को समझते हैं कि देखो, इस साल अक्टूबर 2024 में SCO संघाई कॉपरेशन की एक समिट होने वाली है। ये समिट इसके रेगुलर एनुअल समिट से अलग होगी, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की समिट होगी जिसमें जितने भी मेंबर स्टेट हैं उसके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं और इस सेशन में सभी रिप्रेजेंटेटिव वाइटल डिसीजंस को लेते हैं। जो यूजुअल सबमिट होती है SCO की, इसमें राष्ट्राध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में जो डेलीगेट्स होते हैं हाई लेवल डेलीगेट्स वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी साल हम देख रहे हैं कि 3 और 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के कैपिटल अस्ताना में 24th एनुअल समिट ऑफ SCO कंडक्ट हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए थे बल्कि एस जयशंकर साहब वहां भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब आओ कि SCO आखिर है क्या और किस तरीके से वाइटल माना जाता है। SCO एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 15th जून 2001 को फाइनली अस्तित्व में आया। ये एक बहुत डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीफैसेटेड वर्क हैंडल करता है और इसीलिए इसको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इसका कैपिटल बीजिंग चाइना में लोकेटेड है। ये ऑर्गेनाइजेशन आज बहुत बड़ा हो गया है, इसमें टोटल 10 मेंबर कंट्री हैं। एट द टाइम ऑफ फाउंडेशन ओनली 6 कंट्री वर देयर, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान थे। बाद में भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में जुड़ते हैं, ईरान इसको 2023 में ज्वाइन करता है और बेलारूस फाइनली 2024 में ज्वाइन करता है। ये बहुत वाइटल है, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देख सकते हो, विच अमोंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ SCO, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज 10 मेंबर हैं और 10 मेंबर का लिस्ट थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इन 10 मेंबर के साथ SCO आज दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन में अबाउट 80% ऑफ टोटल एरिया ऑफ यूरेशिया आता है। इसी तरह से पॉपुलेशन 40% ये ओवे करता है, इसके पास वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% है। और होगा क्यों नहीं, भारत और चाइना जो दो मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं वो SCO के आज मेंबर हैं। इसका कंबाइंड GDP बहुत ज़्यादा है, 32% ऑफ वर्ल्ड टोटल। कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा, बहुत प्रॉस्पर ग्रुप बनता है और इस रीजन को ये एक तरह से डोमिनेट करता है। यहाँ पर रसिया और चीन इसको लीड कर रहे हैं मेनली। एज फार एज फंक्शन ऑफ SCO इज कंसर्न, तो मल्टीपल रोल प्ले करता है ये। ये सबसे पहला है सिक्योरिटी इश्यू। तो इस रीजन में जितने भी सेपरेटिज्म के वॉइस उठ रहे हों, एक्सट्रीमिज्म के वॉइस उठ रहे हों या फिर टेररिज्म कंडक्ट हो रहा हो, टेरर आउटफिट एक्टिव हो, इन सब के अगेंस्ट में ये प्लेटफॉर्म काम करता है। जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनके बीच ये डायलॉग कंडक्ट करता है, उनके बीच एक कॉमन डिक्लेरेशन तक पहुंचने का प्रयास करता है और इस पर कंट्रोल लाने के लिए सभी मेंबर कंट्री के बीच में एक आम सहमति, यूनैनिमिटी बनाता है। इसके अलावा मिलिट्री सेक्टर में भी ये ट्रेनिंग, ज्वाइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है और कुल मिलाकर इंटर ऑपरेबिलिटी को प्रमोट करता है। इसी तरह इकोनॉमिक कॉपरेशन से भी ये जुड़ा हुआ है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज को भी SCO सपोर्ट करता है और
इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल रोल प्ले करता है। एसईओ के साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंबर स्टेट के बीच में टेररिस्ट और टेरर ग्रुप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, उन्हें अलर्ट करता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है। मान लो कहीं पर कोई टेरर एक्टिव है, टेरर आउटफिट वहां लोकेटेड है, तो वो तुरंत दूसरे देश को इन्फॉर्म करेगा कि भैया यहाँ पे टेरर आउटफिट है और यू मे बी अटैक्ड बाय हिम। तो ये सारी चीजें कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रमोट कर रहा है, वर्चुअल सिक्योरिटी को प्रमोट करता है, रीजनल इनिशिएटिव को ये सामने लाता है। तो इस तरीके से एससीओ का रोल हमारे इस रीजन में बहुत बढ़ जाता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर यूएस का इन्फ्लुएंस, तो ऐसे ये सारे लोग रसिया, चाइना और इंडिया मिलकर इस सेक्टर को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, नाटो जैसे किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस को रोक रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग इन देशों के बीच में बढ़ती जा रही है। हालांकि एससीओ बहुत स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखते हैं। यू नो वेरी वेल भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट रहा है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो भी चाइना पाकिस्तान से निकाल रहा है और ये भारत के जम्मू कश्मीर स्टेट से गुजर रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेज हैं जिसके कारण एससीओ इतना इफेक्टिव नहीं माना जा रहा है। नेशनल इंटरेस्ट अलग हैं, इफेक्टिवनेस इसकी बहुत ख़राब है, चाइना बहुत प्रॉस्पर हो चुका है और जितने मेंबर कंट्री हैं उनको बहुत तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो कजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, तजिकिस्तान हो, इन सभी मेंबर स्टेट को चाइना अपीज कर रहा है थ्रू इन्वेस्टमेंट, थ्रू प्रमोशन और इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म को यहाँ पर चाइना प्रमोट करता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से इस पूरे एससीओ के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहा है, लेकिन फिर भी जो इस्लामाबाद की समिट हो रही है इसमें बहुत सारे इश्यूज डिस्कस होंगे। अभी पाकिस्तान ने भी बहुत सारे टेरर आउटफिट को सपोर्ट किया है, इन सभी बातों को इस ऐसे फोरम में उठाया जा सकता है। जहां तक भारत और पाकिस्तान के बायलिटरल इश्यू का कंसर्न है, तो देखो एससीओ का जो डिक्लेरेशन है वो सीधा सीधा इसका चार्टर कहता है कि दो देश अपने बायलेटरल इश्यू को एससीओ समिट में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पर इंडियन इनवॉय भारत के डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में उपस्थित वहां लोकेटेड टेरर आउटफिट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट पर प्रेशर बना सकते हैं। तो ये सारे कंडीशंस कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में जा रहे हैं। हाँ, जहां तक बात रही कि प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करेंगे या नहीं, तो दैट इज क्वाइट अनक्लियर। अभी ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे, इनके बदले जयशंकर हो सकता है विजिट करें या फिर वो डिजिटल मोड से वहां अपना प्रेजेंस दिखाएं। तो इस तरीके से एससीओ का हेड ऑफ द स्टेट समिट पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अक्टूबर में आयोजित होगा और ये सारे फैक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए जो इससे जुड़ते हैं।